हो गया अपने अपने पास के बाद लंगर का इंतजाम किया गया है, महफिल पाक के बाद लंगर का इंतजाम। अभी हम घर को जाएंगे वापस, बात करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है आज के दिन के बारे में सबको पता होगा, शब्बे बरात का दिन है आज, आज इबादत का दिन है। आज इबादत करें और अपने घरों में इबादत करें और अपनी महजगदा में इबादत करें। तो इबादत का सिलसिला याद ही रखें, आज बहुत अहम रात है, ऐसी रातें ज़िंदगी में कम ही मिलती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफा दिया गया है, आप दोस्तों ने इस रात को ज़ाया नहीं करना, तो इबादत करनी है, कुरान पाक की तलावत करनी है, तरावियाँ पढ़नी है, नमाज पढ़नी है इशा की। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आज कोई गलत काम नहीं करना, तो आज आपने अच्छे काम करने हैं, ऐसी रातें कब ही मिलती हैं। इबादत करें पूरी रात, तिलावत करें, नमाज पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें और पूरी रात मस्जिद में इबादत करें। यही थी आज की वीडियो तो आज की वीडियो बनाने का मौजू यही था कि आज के दिन कोई ऐसा काम नहीं करना। अल्लाह ताला कहते हैं आज की रात जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं उसको गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आज आप गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, जितने भी गुनाह इस साल में हुए वो गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा कर लें कि आगे से कभी गलती नहीं होगी, गुनाह नहीं करेंगे। ताला कहते हैं जो गुनाह की माफ़ी मांगे उसे माफ़ कर दिया जाता है। अभी हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद तरावियाँ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ने के बाद आपको खिताब सुनाएंगे और कुरान पाक की तलावत करेंगे, खिताब जारी है। अभी हम मस्जिद में एंटर हुए हैं तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाजी इशा की अज़ान हो चुकी है, तो नमाज हो रही है, जमात हो रही है, जो मस्जिद में वज़ू करके हम नमाज़ी जा रहे हैं। तो फिर तरावियाँ पढ़ेंगे और फिर आपको खिताब सुनाएंगे मौलवी का, बहुत अच्छे नाते तलावत टाइम हो गया, घर जाके प्रोग्राम रखा जाता है हर एक आज की वीडियो, शबे मराद हो, शबे मराद हो, नमाज पढ़ के दिन हो, तो ये पढ़ने के बाद दिन को महफिल पाक सजाई जाती है, घर जाके तलावत करेंगे कुरान पाक की, नमाज पढ़ने के बाद आपको खिताब सुनाएंगे हाफिज़ साहब का। सुभान अल्लाह।
अभी हम घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 10 से ऊपर टाइम हो गया, महफ़िल ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो कैसी लगी दुआ में याद रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दें।